नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर झारखंड में एक नई राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे के ट्वीट से लगातार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बातें सामने आ रही हैं कि सभी जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी लोगों को यहाँ से लेकर के जाया जाएगा। और इसको लेकर के जब बैठक के बाद सभी लोगों से बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, हम लोग यही है। छत्तीसगढ़ लेकर के जाया जाएगा। आप पत्रकार बंधुओं से मोदी पार लगा देगा, हमरा नहीं पार लगेगा। हाँ, हम लोग झूठा बोलते नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री व्यापारी बन जाएगा तो उस देश का किसान और मजदूर कंगाल हो जाएगा। तो आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे, घर बार छोड़ के जाएंगे, कहीं यही रहिएगा। कहीं नहीं, कल आज शाम को फिर मिलेंगे, कल सुबह भी यही मिलेंगे। यही मिलिएगा, यही मिलेंगे। आज शाम को 7 बजे है, यही मिलेंगे। सर, गठबंधन की बैठक गठबंधन पूरी मजबूती से है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो आदेश निर्देश है उसका अक्षरशः पालन होगा। हमारे जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी और जो सरकार चल रही है वो सरकार पूरी मजबूती से चलेगी। हर जुल्म और सितम का हम टक्कर देंगे, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। तो जुल्म सर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी बात सामने आ रही है। जुल्म करके हम लोगों को नहीं कोई तोड़ सकता। मंत्री जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी बातें आ रही है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वो लोग जानते हैं जो लोग रिसोर्ट में रहते हैं। हम लोग तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम लोग को झोपड़ी अच्छी लगती है। सर, लगातार रिजोर्ट पॉलिटिक्स की बातें सामने आ रही है। कोई सच्चाई नहीं है, कोई विधायक बाहर नहीं जा रहे, सब रांची में रहे। छत्तीसगढ़ जाने की बात हो रही है सर, वो छोड़ दीजिए, कहाँ जाने की बात है मैं नहीं जानता, उस पर कोई कमेंट हमसे मत पूछिए, लेकिन हम लोग इंटैक्ट हैं। क्या साइन हुआ सर कहीं आज? आज कल हुआ ना, कल हो गया है साइन। साइन समर्थन पत्र। हाँ, राजभवन जाएंगे, कहाँ जाएंगे सर? कोई अभी आना भी है हमको तुरंत। सर, एक चीज और बताइएगा, अभी तक 35 विधायक पहुंच चुके हैं यहाँ पर, 50 का आप लोगों का दावा है, ये जो नंबर्स है मैजिक नंबर जो 41 का प्लस का है, ये आप लोग अच्छा कितना घट रहा है? अभी आ ही रहे हैं लोग, 6 घट रहा है, 41 तो हो ही जाएगा। हाँ, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये तो मुझे फर्स्ट टाइम आपसे पता चल रहा है कि रिफ्रेशमेंट या रिसोर्ट, लेकिन पार्टी जिस भी वजह से जो भी अपने तरफ से जो भी हम लोगों को आदेश देगी, और अच्छा रहेगा कि हम सब इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से अगर सब लोग एक साथ कहीं पे बैठ के इसका विचार विमर्श करके इस समय से निकलना है, और ताकि हम लोग जनता का जो भी अपेक्षा है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आगे भी इसी तरह से करे। बहुत सारा चीज पेंडिंग है, अभी OBC आरक्षण भी है, जो भी जो कि यही सरकार कर सकती है और कोई सरकार नहीं हमें उम्मीद है कि कर सकती है। दूसरा है कि हमारा जो विस्थापन का इतना सारा समस्या जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, हमारी सरकार जल जंगल जमीन के मुद्दे से लड़के आई है और लोगों को आश्वस्त की है कि जल जंगल जमीन बचाने का पूरा सरकार हमेशा अपने तरफ से प्रयत्न करते रहेगी। और जिस तरह से कंपनी अंग्रेजी हुकूमत करके और कॉलोनियल रूल अपना के और वहाँ पे अधिग्रहित कर रही है, जो भी विस्थापित हो रहे हैं लोग परेशान हैं, तो सबके साथ न्याय यही सरकार कर सकती है। और मुझे पूरा उम्मीद है, जिस तरह से विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 2013 लागू करेंगे, और अब क्योंकि ये सब उलझन हो गया है, नहीं तो अभी तक लागू हो गया रहता, तो हम लोग किसी भी हाल में इस परिस्थिति से जल्दी निकलेंगे। और जो बाकी जो हम लोग वादा किए हैं और जो नहीं भी वादा किए हैं, जो सरकार और हमारे राज्य के हित के लिए, वो सारा काम ये सरकार से। एक बार फिर साहब से ये पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है कि ये रिसॉर्ट पॉलिटिक्स से तमाम जो विधायक है वो एकजुट रह पाएंगे? और देखिए, विधायक तो ऑलरेडी एकजुट है, लेकिन क्योंकि हम लोग देश भर में देखते हैं कि कई तरह की ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो हम किसी भी हाल में नहीं चाहते कि इस बार जो जनता ने जो भावना उनका भावनाओं के अनुरूप जो सरकार बनी है वो सरकार को आँच आए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर के झारखंड की सियासत एक नया रुख ले रही है, और वहीं दूसरी ओर UPF विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद सभी विधायकों और मंत्रियों ने कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम सभी विधायक एकजुट हैं और हम लोग आज फिर एक बार 7 बजे यहीं पर इसी बैठक में मिलेंगे। चूँकि एक यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल लातेहार के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसको लेकर के यह जो UPA की बैठक है वो एक बार फिर से शाम 7 बजे शुरू होगी, जिसके बाद फिर एक बार विधायक जो है वो यहाँ पर
पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से एक बार फिर से झारखंड में सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है और सभी लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे और फिर एक बार आप लोगों से यहीं पर शाम में मिलेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार।